अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्की किचन एंड ब्लॉग्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं द परफेक्ट पिज़्ज़ा डो। अक्सर शिकायत होती है कि आप लोग डो बनाते हैं तो वो फूलती नहीं है, जैसे कि हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, और अगर आप बनाते भी हैं तो वो कड़क हो जाती है। मगर जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी डो, वो बहुत ही आसान, और आप खुद देखेंगे कि जब आप बेक करेंगे पिज़्ज़ा तो वो मोटी फूलेगी भी और साथ ही साथ सॉफ्ट भी होगी, ना कड़क होगी, बिल्कुल मज़े की ये पिज़्ज़ा डो बनेगी। तो चलें आए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें फॉर मोर इजी एंड सिंपल रेसिपीज़। ये देखें आप कितनी ही सॉफ्ट इसकी डो बनी है, बिल्कुल लाइक रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह। बहुत ही मज़ेदार ये पिज़्ज़ा बनेगा, स्टफ क्रस्ट पिज़्ज़ा है ये। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें आए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। पिज़्ज़ा डो के लिए हमें एक बाउल में 2 कप मैदे का आटा ले लें। ऑल पर्पज़ फ्लोर हमने यहाँ लिया है 2 कप। ये सिफ्ट करना लाजमी है। सिफ्ट करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया ईस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हम इधर शुगर ऐड करेंगे 2 टीस्पून।
यहाँ मैं टॉपिंग कर रही हूँ चीज़, चिकन,